तो फ्रेंड पराठे किसे नहीं पसंद है, सभी को पराठे पसंद है, किसी को आलू के, किसी को गोभी के, किसी को मूली के। तो कहने की बात यह है कि पराठे खाने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पराठे इतने क्रंची और इतने डिलीशियस होते हैं कि सभी लोग इसे खाते हैं। तो फ्रेंड आज जो मैं पराठा बनाने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ चीज़ी पराठा। इसे बनाने के लिए मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, जो मेरा नाप है 50 ग्राम है, जिसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस से कस लिया है। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक बारीक जैसे कद्दूकस से कसना है। फिर इसके बाद मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो फ्रेंड जितना मैंने गेहूं का आटा लिया है उतनी ही मात्रा में मैंने मैदे का आटा लिया है। आइए फटाफट इसे हम डो बना लेते हैं। तो एक बड़ा बाउल ले लेना है, उसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच सॉल्ट। अब इसे डाल के हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सॉल्ट अच्छी तरह से सब जगह पहुंच जाए। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे राई का तेल यानी सरसों का तेल 50 ग्राम। आप चाहे तो इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में पराठे बहुत ही क्रंची बनते हैं, इसीलिए मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सरसों ना हो तो आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, जो डालना चाहे डाल लें। अब इसे हम हाथ से इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से हम तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि हमारा तेल आटे में अच्छी तरह से पहुँच जाए। और इसे इस तरह से करेंगे और देखेंगे हमारा डो इस तरह से हो गया है, तो समझ जाइए सही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर इसका एक सख्त डो बना लेंगे। तो इस तरह से हमें डो को बना लेना है। तो फ्रेंड डो को इस तरह से रखना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा आपको ढीला रखना है, इस तरह से आपका डो होना चाहिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और इसे रेस्ट पर रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पराठे क्रंची नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड हमारा आटा अच्छी तरह से फूल गया है इस तरह से, तो आइए हम अपना आटा चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से फूल गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं फूल गया है। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से रखकर इसे थोड़ा सा गूंद देंगे हाथों से ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए, और गूंदना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे पराठे बहुत ही मुलायम और क्रंची बनेंगे। तो इस तरह से हम इसे गूंद लेंगे। अब फ्रेंड हम इसे बाउल से निकाल लेंगे और अपने काउंटर पर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से लगाकर मथ लेंगे। और इसे इस तरह से चिकना करेंगे। तो इसे चिकना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब हम चीज़ भरेंगे तो अच्छी तरह से ये क्रंची और बहुत ही बढ़िया पराठे बनेंगे। इसे कम से कम 5 मिनट आपको आटे को मलना है इस तरह से, और इसे मुलायम करना है और चिकना बनाना है। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसे इस तरह से चिकना करेंगे। तो फ्रेंड हमारा आटा अच्छी तरह से चिकना हो चुका है, अब इसकी हम इस तरह से लोइया बना लेंगे। और इसे बनाकर इस तरह से रख देंगे। फ्रेंड 3 लोइयां बन गई, अब इसे हम बाउल में रख लेंगे अपने और आइए इससे पराठे बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड पराठे बनाते हैं। 1 लोई मैंने ले लिया है, अब इसे हमें हाथ से इस तरह से गोल गोल करना है।
अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे जैसे हम रोटी में लगाते हैं। अब इसे हमें इस तरह से रखना है, तो इसे हमें इस तरह से बेलना है जैसे हम नॉर्मली रोटी बेल लेते हैं। बस हमें ख्याल ये रखना है कि इसे मोटा पतला नहीं बेलना है, एक बराबर बेलना है, और इसे थोड़ा सा पतला बेलना है। तो फ्रेंड्स जितना आप इसे पतला रखेंगे उतना ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से बड़ा सा पराठा बेल लिया है मैंने, और ये देखिए बिल्कुल बराबर है, कहीं से मोटा पतला नहीं है। तो इस तरह से मैंने पराठा बेल लिया है गोल साइड में। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा चीज़ डालेंगे। तो फ्रेंड ये मोज़रेला चीज़ है जो मैंने बाउल में लिया है। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से बीच में रखेंगे और इसे फैला लेंगे। तो फ्रेंड मैंने अपना चीज़ इस तरह से साइड में रख लेना है, फिर इसके बाद इसे इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है, फिर इसके बाद आपको इस पर इस तरह से फोल्ड करना है और फिर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे इस तरह से बंद कर देना है अच्छी तरह से ताकि चीज़ बाहर ना आए, और उसे उस तरफ से भी हम इसी तरह पानी लगा के ग्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हमें इस तरह से करना है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड इसे आपको इस तरह से फोर एंगल में बेल लेना है, और मैंने बेल लिया है स्क्वायर। तो फ्रेंड फोर एंगल में मैंने इसे बेल लिया है इस तरह से, और ये देखिए बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी ये मोटा पतला नहीं है। अब इसे हम आइए बनाते हैं फटाफट। तो फ्रेंड तावे पे मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है। जब आपका घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तभी आप इसके ऊपर पराठा डालिएगा। तो मैं इसे लोहे के तावे में बना रही हूँ क्योंकि बहुत घर में पैन नहीं होता है, तो आप इसे लोहे के तावे में कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें ढेर सारा घी डालकर इसे इस तरह से मेल्ट कर लेना है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके बाद हम इसे इसी तरह गर्म होने देंगे और अब इसमें हम पराठा रख देंगे। तो फ्रेंड इतना घी डालिए कि आपका पराठा इस तरह से घी बिल्कुल छोड़ दे, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे हम पलट देंगे। तो फ्रेंड आप इसे मीडियम आँच से पकाइएगा क्योंकि इसमें चीज़ है, अगर आप इसे बहुत हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल फूलने लगा है पराठा। तो फ्रेंड ये देखिए पराठा कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। अब इसके बाद हल्के चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करके इसे पलट देंगे और कितना खूबसूरत कलर आ गया है पराठे में, और इसका चीज़ कहीं से भी बाहर नहीं निकला है। तो फ्रेंड ये पराठे बनने में 2 मिनट लगते हैं क्योंकि इसमें चीज़ होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप पराठे बना सकते हैं और घर में इसका मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड इस तरह से हम पराठे को लाल कर लिए हैं और उस तरफ से भी थोड़ा सा पका लेंगे और हमारा पराठा डन है। तो आप इसे पराठे को किसी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ। तो मज़ा लिए इन पराठों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।